मेरे पास आया क्या आया मेरे पास आया एक सवाल और क्या आएगा हमारे पास तो सवाल ही आते मेरे पास एक सवाल आया पूछा गया है उसमें कि एंड्रॉयड तो भाई एक ही है जैसे एंड्रॉयड पाई है लेकिन ये एंड्रॉयड अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग क्यों नज़र आते हैं मैंने ये वाला फ़ोन यूज़ किया मोटोरोला का मैंने सैमसंग वाला यूज़ किया मैंने यूज़ किया रेडमी का उन सभी में एंड्रॉयड का एक ही वर्जन चल रहा है लेकिन ये अलग अलग क्यों दिखते हैं एंड्रॉयड अलग क्यों दिखते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर बहुत ही सिंपल है लेकिन सोचोगे तो शायद नहीं आए दिमाग में कि एंड्रॉयड फ़ोन अलग अलग होते हैं आईफोन के केस में अगर आप देखेंगे तो भैया आईफोन 6s जो आप यहां इस्तेमाल कर रहे हो आईफोन 6s कोई इंग्लैंड में भी इस्तेमाल करेगा अमेरिका में भी इस्तेमाल करेगा तो वो वैसा ही दिखेगा हार्डवेयर सेम होंगे कैमरा सेम होगा बॉडी भी वैसी ही होगी ठीक है तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा लेकिन भाई एंड्रॉयड के साथ केस ये है कि एंड्रॉयड के हजारों लाखों डिवाइसेस बन चुके हैं सबके हार्डवेयर अलग होते हैं सबकी स्क्रीन अलग होती है सबकी बैटरी अलग होती है और सब में रैम भी अलग ही होता है तो उस हिसाब से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज किया जाता है उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रेडमी नोट 4 में चलता है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ही मोटोरोला में चले हूबहू सेम नहीं ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक उबली हुई दाल की तरह है आप चाहें तो इसमें बंगाली तड़का लगा सकते हैं पंजाबी तड़का लगा सकते हैं या गुजराती तड़का लगा सकते हैं और अब यही है तो क्या एंड्रॉयड तो भाई एक है लेकिन अलग अलग फ़ोनों के हिसाब से क्योंकि एंड्रॉयड के जो मॉडल्स हैं वो बहुत सारे हैं उस हिसाब से उसे कस्टमाइज़ किया जाता है इसीलिए आप देखते हैं उसमें MIUI देखने को मिलता है कलर OS HiOS और ये जितने भी लोग चलाते हैं UI आगे उस पर लगा देते हैं ऊपर से उसका लुक चेंज करने के लिए और एक बात और है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालने के लिए जैसे सैमसंग टच विज के सपोर्ट को प्रोवाइड करता है जबकि मोटोरोला में टच विज का कोई काम ही नहीं है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया जाता है इसीलिए ये अलग अलग डिवाइसेस में सेम एंड्रॉयड वर्जन होने के बावजूद अलग अलग नजर आता है तो ये बात तो रही भैया ये तो सबसे सिंपल बात बता दी मैंने भाई खबर और आ रही है खबर एक किसी ने बताई नहीं होगी आपको हुआवे के बारे में सुना था आपने हुआवे को बैन कर दिया गया था प्ले स्टोर से वगैरह सब ये ना वहां पर सपोर्ट नहीं था गूगल को उसको अमेरिकी सरकार हुआवे जो कि चाइनीज कंपनी है उसको अमेरिकन कंपनी से डील नहीं करने दे रही थी कोई भी प्रोडक्ट अगर वो आदान प्रदान कर रहे हैं जैसे हुआवे के लिए अगर कोई चीज़ अमेरिका में बन रही है तो वो अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि वो उनको प्रोवाइड करे क्योंकि हुआवे के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए थे कि वो डेटा वगैरह लीक करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं अमेरिका और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं और वैसे भी चाइना के ऊपर बहुत एलिगेशंस लगते रहते हैं कि उसकी कंपनियां लोगों के डेटा को चुराती है फिर उसको इस्तेमाल करती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है तो अमेरिका ने पूरे तार काट दिए भैया अपनी कंपनियों के चाइनीज़ कंपनियों के साथ जिसमें हुआवे भी शामिल है तो अब हुआवे ने कहा कि भाई हमें एंड्रॉयड की ज़रूरत ही नहीं है हम अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकालेंगे जो कि एंड्रॉयड को टक्कर देगा अब ये तो उड़ती उड़ती खबर आ रही थी लेकिन भाई ये सही में बना दिया इन लोगों ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है HongMeng OS चाइना में इस नाम से जाना जाता है वो और पूरी दुनिया में वो ओक OS के नाम से जाना जाएगा OAK ओक OS अब इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है मतलब हुआवे ने बुलाया है जितने भी ब्रांड के फ़ोन के ब्रांड हैं उन सब के लोगों को बुलाया है बोले आओ और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट करो ये एंड्रॉयड से 60% ज़्यादा फास्ट है 60% ज़्यादा फास्ट समझ रहे हो आप 60% ज़्यादा फास्ट है एंड्रॉयड से देखो अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो मोबाइल की दुनिया में एक नई क्रांति आएगी और ये जो चीज़ हुई है कि हुआवे को अलग कर दिया अमेरिकी किसी कंपनी के साथ डील नहीं करने दे रही उनको अलग कर दिया इससे हमारा ही फ़ायदा होगा लेकिन एक रिस्क भी आएगी इन दोनों चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा फ़ायदा ये होगा कि हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जो कि एंड्रॉयड से 60% फास्ट होगा बहुत अच्छी बात है मतलब कितना फास्ट होगा मैं सोच भी नहीं सकता दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे कि चाइना पे एलिगेशन लगे हैं हुआवे पे एलिगेशन लगे हैं कि वो अपने डेटा को लीक करती है हमारे डेटा को इस्तेमाल करती है वो गलत तरीके से और भी बहुत सारे एलिगेशन आप देख सकते हैं पूरे आपको इंटरनेट पे पूरा चिट्ठा खुल जाएगा उनको मिल जाएगा पूरा हिस्ट्री मिल जाएगी तो रिस्क है कि क्या पता दोबारा डेटा लीक करे लेकिन फ़ायदा भी है कि 60% ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फास्ट मिलेगा आप मुझे पोल में ऊपर बताइए कि क्या आप अगर हुआवे का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉयड से फास्ट हो क्या आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे अभी फिलहाल यही न्यूज़ है कई लोग बोल रहे हैं ये रूमर है लेकिन ये रूमर नहीं है वो सही में ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है अक्टूबर तक वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा यानी अक्टूबर के बाद जो फ़ोन आएंगे उनमें कुछ फ़ोनों में आपको शायद ओक OS देखने को मिले जो कि एंड्रॉयड से फास्ट हो उनकी अलग एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ अलग होंगी तो
ओक फोन्स भी आने लगेंगे अब, उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग डिज़ाइन, सब कुछ नया होगा, मोबाइल की दुनिया में कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स में राय बताएं मुझे आपको क्या लगता है इस बारे में। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक हैकर कहलाएं, आपको पता रहे कि क्या चीज़ें कैसे हैक होती हैं, पूरी जानकारी रहे, थोड़ा स्मार्ट बन पाएं आप, ठीक है, स्मार्ट हैकिंग के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ये फेसबुक ये सब कैसे हैक हो रहे हैं आपको पता लग जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ का एक नया कोर्स लॉन्च किया है मैंने, हैकस्टार्स, वो वीडियो कोर्स है, आपको हिंदी में सिखाएगा कि हैकिंग कैसे की जाती है, क्या होता है, एथिकल हैकिंग कैसे शुरू कर सकते हैं आप। 3 कोर्स हैं, कोई भी एक कोर्स ले लें, बहुत अच्छी जानकारी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।